नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का तीसरा दिन अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और दूसरे दिन क्या कुछ घटा ये हम आपको दिखाएंगे और किस तरह से भारत के चांसेस हैं मेलबर्न टेस्ट में जीत को लेकर, क्योंकि 443 रनों पर दूसरे दिन यानी कल भारत ने अपनी पारी घोषित की थी और ऑस्ट्रेलिया को 6 ओवर खेलने के मौके मिले। उन्होंने 8 रन बनाए बिना किसी नुकसान के। हालांकि एरन फिंच ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी भी उनकी टीम में इतना दमखम है कि वो इस मैच को बचा सकते हैं और जीत भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के लिए पुजारा ने 17वां शतक जड़ा। रोहित शर्मा की एक बेहतरीन 50, विराट के शानदार 82 की बदौलत भारत 443 रन तक पहुंच पाया। हालांकि रन रेट थोड़ा स्लो है, लेकिन पुजारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रन बनाना इतना आसान नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उतना मुश्किल होने वाला है। जिस तरह से हमने गेंदबाजी देखी है जसप्रीत बुमराह की, वो गेंद जो हेलमेट पर लगी मार्कस हैरिस के, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ है इस पिच में, काफ़ी कुछ देखने वाले को मिलने वाला है। अनइवन बाउंस है और भारतीय टीम के पास चांस है मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतने का ऑस्ट्रेलिया में पहली बार। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। आप देखिए क्या है आज की टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बेहद रोमांचक हो गया है। दूसरे दिन भी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच टीम इंडिया के नाम रहा और टीम इंडिया ने 443 रन पर अपनी पारी को घोषित कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने महज 6 ओवर बल्लेबाजी की और 8 रन बनाकर कोई विकेट नहीं गंवाया है, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। बता दें आपको कि सीरीज में अभी तक 400 रन नहीं बने हैं और ऐसे में 326 जो हाईएस्ट बने थे सीरीज में वो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऐसे में भारत ने 300 से ज़्यादा का स्कोर किया है और पहले बल्लेबाजी की है, तो भारत के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। वहीं अभी इस टेस्ट मैच में पूरा का पूरा 3 दिन का समय बचा है और जिस हिसाब से पिच है उसे देख कर ये तो लग रहा है कि यहाँ पर रन आसानी से नहीं बनेंगे और भारतीय तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स के लिए पूरी तरह से मदद है पिच में। अगर यहाँ पर 3 दिन मिले हैं पूरे भारतीय गेंदबाजों को तो अगर 20 विकेटें मिल जाती हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। वहीं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से फॉलो ऑन खिलाना होगा। हालांकि 443 रन फॉलो ऑन खिलाने के लिए काफी है। अब देखना होगा कि भारतीय टीम क्या जीत दर्ज करती है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी खत्म हो गया, जहां पर टीम इंडिया ने 443 रन पर अपनी पारी को घोषित किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया दिन का खेल खत्म होते होते 6 ओवर पर 8 रन बना चुका है और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हालांकि सबसे बड़ी खबर जो वहां से आ रही है वो ये है कि कप्तान विराट कोहली की पीठ दर्द की जो शिकायत थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट नॉर्मल बताई जा रही है। बता दें आपको कि दूसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही विराट कोहली काफी अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, उनकी पीठ में एक बार फिर से दर्द हो गया था और जब फिजियो मैदान पर आए तो उन्होंने विराट को ऑइंटमेंट लगाई और टैबलेट भी दी। विराट टैबलेट खाने के तुरंत बाद वहां पर आउट भी हो गए। वो थर्ड मैन की तरफ छक्का मारना चाहते थे, वहीं एरन फिंच ने उनका शानदार कैच लपका। विराट कोहली की फिटनेस एक इशू बनी हुई है, ये 3 महीने पहले भी उनकी कमर दर्द की शिकायत थी, पीठ में दर्द की शिकायत थी और एक बार फिर से ये चोट उभर आई है। तो क्या भारत को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से विराट को दिक्कतें आई हैं तो वो सीरीज नहीं खेले। अब हो सकता है कि विराट फिट हो जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। बॉल टेम्परिंग विवाद की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ 3 दिनों 1 साल का बैन झेल रहे हैं। ऐसे में हाल ही में स्टीव स्मिथ ने एक बड़ा खुलासा किया है और ऐसा खुलासा किया है जिससे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के अंदर खलबली मच चुकी है। आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ डेविड वार्नर पर 1 साल का बैन लगा है, वो भी इस वजह से क्योंकि उन्होंने इस साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में बॉल टेम्परिंग का दोषी बनाया गया था। उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया और अब बॉल टेम्परिंग विवाद पर खुलकर स्टीव स्मिथ ने खुलासा किया है। स्टीव स्मिथ का कहा कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव जेम्स सदरलैंड और पैट हावर्ड ने उनसे बॉल टेम्परिंग का दबाव बनवाया था, इस वजह से उन्हें बॉल टेम्परिंग करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सदरलैंड और पैट हावर्ड ने जीत का दबाव बनाया था और उन्होंने कहा था कि आपको हम जीतने की सैलरी देते हैं, इस वजह से हमें बॉल टेम्परिंग करनी पड़ी। आपको बता दें कि बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद ही सदरलैंड ने इस वाक्य के बाद रिजाइन दे दिया था और उसके बाद हावर्ड ने पिछले महीने ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पद से इस्तीफा दिया, या यूं कहें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको हटाया।
अब देखना होगा कि विवाद और क्या नया तूल पकड़ता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहली पारी में 443 रन बनाकर पारी को घोषित किया। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 6 ओवर बल्लेबाजी करके 8 रन बना पाई। लेकिन आज जो सबसे बड़ा विकेट मिला ऑस्ट्रेलिया को, वो मिला मिचेल स्टार्क को और उन्होंने विराट कोहली को आउट किया। दरअसल विराट थोड़ा सा अपने कमर के दर्द से जूझ रहे थे और पीठ के दर्द से भी जूझ रहे थे। विराट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नजर आए, जिसके बाद ऐसा लगा कि विराट को अपर कट खेलने के लिए जा सकते हैं। मिचेल स्टार्क ने थर्ड मैन पर एरन फिंच को खड़ा किया और गेंद विराट के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकी। विराट ने अपर कट खेलने का प्रयास किया और मेलबर्न, हम सभी जानते हैं कि काफी बड़ा ग्राउंड है, वहां पर एरन फिंच को कैच दे बैठे थर्ड मैन पर। लेकिन इस विकेट के बाद भारतीय टीम का स्कोर 443 रन तक तो पहुंचा, लेकिन विराट कोहली का ये जो जाल में जो फंसाया है, दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को मिचेल स्टार्क ने अपने जाल में फंसाया, उनकी खुशी भी देखने लायक थी। विराट खुद भी हैरान थे कि आखिर वो इस जाल में कैसे फंस गए। देखना होगा कि भारत मेलबोर्न टेस्ट क्या जीत पाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बेहद रोमांचक होता चला जा रहा है। जो आपको बता दें कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने अपनी पारी 443 रनों पर घोषित की, जिसके बाद जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर थोड़ा तो दबाव था, लेकिन करीब 6 ओवर के गेम में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 रन बन चुका है और अभी उनका कोई विकेट नहीं गिरा है। हालांकि भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो 443 थोड़े धीरे बने हैं, लेकिन भारतीय टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की है। बता दें आपको कि पहले दिन टीम इंडिया 215 रन बना चुकी थी 2 विकेट के नुकसान पर, जिसके बाद दूसरे दिन की शुरुआत में विराट कोहली और पुजारा ने पहले सेशन के लिए करीब 62 रन जोड़े। उसके बाद दूसरे सेशन में पुजारा और कोहली दोनों आउट हुए। पुजारा इस मैच में 17वां शतक लगा चुके हैं और 350 रन से ज्यादा हो चुके हैं उनके सीरीज में। वहीं विराट कोहली मिचेल स्टार्क के जाल में फंसे और थर्ड मैन पर आयरन फिंच को कैच दे बैठे। वहीं तीसरे सेशन में बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने टीम को संभालने की कोशिश की। अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा के बीच 50 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन उसके बाद नेथन लायन ने अजिंक्य रहाणे को LBW आउट किया, जिसके बाद रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के बीच 76 रनों की साझेदारी हुई, जिसने टीम इंडिया के स्कोर को 430 के पार पहुंचाया। इसके बाद रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने करीब 5 मिनट बल्लेबाजी की और फिर पारी घोषित कर दी गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थोड़ा सा दबाव में दिख रहे थे। एरन फिंच और मार्कस हैरिस दोनों को काफी तरह से शांत रखा था टीम इंडिया ने, और जसप्रीत बुमराह की तो एक गेंद मार्कस हैरिस के हेलमेट पर भी लगी थी। यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया पर दबाव है बेहतर बल्लेबाजी करने का, क्योंकि अगर अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई तो ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को हार सकता है। भारत सेफ हो गया है, अब देखना होगा कि क्या ये टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत पाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच फिलहाल टीम इंडिया की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि शुरुआती 2 दिनों में टीम इंडिया ने 443 रन का पहाड़ जैसा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर दिया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 रन बना लिए हैं और महज 6 ओवरों का सामना किया है। भारत ने इससे पहले 443 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की है, वो देखकर लगता है कि मेलबर्न टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत सकती है। बड़ी बात यह है कि चेतेश्वर पुजारा ने इस मैच में अपना 17वां शतक जड़ा है और इस सीरीज में अपना 2रा शतक, 350 से ज्यादा रन हो चुके हैं उनके। ऐसे में पुजारा के शानदार शतक की जमकर तारीफ की ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने। जी हाँ, पोंटिंग ने कहा कि पुजारा जिस तरह की लय में है, जिस तरह के फॉर्म में है और जिस तरह का उनका डिफेंस है, वो भारत के मौजूदा समय के सबसे बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज हैं। उन्होंने कहा कि विराट कोहली और पुजारा में ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन बेस्ट है, लेकिन पुजारा ने जिस तरह की पारी खेली है वो एक चैंपियन नॉक है और उनकी नजर में पुजारा भारत के सबसे बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज मौजूदा समय के हैं। यानी कि पुजारा की जमकर तारीफ की है रिकी पोंटिंग ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहतरीन टेस्ट मैच खेला जा रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हो गया है। भारतीय टीम ने पहली पारी 443 रनों पर घोषित की, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 8 रन बना लिए थे 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच को बचाने की चुनौती होगी। हालांकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया लगातार मैचेस खेलता जा रहा है और जिस तरह से दबाव में है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा जमा लेगी। लेकिन बॉक्सिंग डे टेस्ट का दूसरा दिन चेतेश्वर पुजारा के नाम रहा। पुजारा ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पहले तो शतक लगाया और अपने करियर का 17वां शतक जड़कर उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। पुजारा 5वें भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने शतक जड़ा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में।
इससे पहले उन्होंने कभी भी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में शतक नहीं जड़ा था। पुजारा से पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे शतक जड़ चुके हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में, यानी कि अब पुजारा इन दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो देखा आपने, आज की पांच बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब तीसरे दिन की शुरुआत होती है, तो देखते हैं क्या भारत तीसरे दिन को अपने नाम कर पाता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आज तीसरे दिन की पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।